देश की इंटीग्रिटी को तोड़ता है, देश को मजहबों में बांटता है। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे बैठे? 11 दिन। आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी प्रशासन, पुलिस लोगों ने, कलेक्टर ने, कमिश्नर ने, किसी ने आपको आपके बात की या चर्चा की? 3 दिन का हम लोगों का परमिशन था, 3 दिन का परमिशन था। उसके बाद 4th दिन पुलिस वाले आके उठाने लगे, लेकिन यहाँ से लेडीज लोग हटे नहीं थे, हम लोग यही बैठे थे। हम लोगों को जब तक आप परमिशन नहीं देंगे यही बैठेंगे, तो आज हम लोग 8 दिन से बिना परमिशन के यहाँ बैठे होंगे। काफी हम लोगों के रेस्ट्रिक्शन है, लेडीज कम हो जाएगी तो हम लोग हटा देंगे। मिनिमम अभी भी आप देखो सब हमारे पार्लियामेंट में बिल पास होता है, तो ये पास हुआ है, हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ है, राज्यसभा में पास होने वाली है कानून। लेकिन हम नहीं चाहते ये इतनी बड़ी जो जनता है, जनता से रिपब्लिक मतलब इलेक्ट होकर जाते हैं। आप लोग हमारे जज्बात का ख्याल कीजिए, हम लोग इस देश के रहने वाले हैं, आप हमारे पर ये चीज़ रोक नहीं सकते। आगे कौन आपको कोई ये करते हैं बताते हैं? पब्लिक ने उनको बोले कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका भाग्य खंडा है। क्या ये दिन देखने के लिए हम लोग का वतन बहुत दिन से है, आज जमाने से नहीं है। हर किसी को मालूम है कि इसके लिए अपना जंग इतनी जंग हुई है और कितने मुसलमान शहीद हो गए हैं, किस लिए ये दोस्त देश छोड़ने के लिए हुए हैं। तो ऐसा जुर्म नहीं करना चाहिए, इतना जुर्म करो जो बर्दाश्त हो। चलो भाई आप हुए पार्टी आपको मिली है, लेकिन करिए जो भी करना है करिए, लेकिन जैसे गांधी जी को जमाने से आया है, चलता आया है, वैसे ही होना चाहिए ना। तो आप ऐसा कब तक यहाँ पर बैठोगे? मोदी को तो यही चाहिए कि देश में दंगे हो, हालात खराब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में दंगे हो और अशांति फैले रहे, ऐसा उनको चाहिए। देखो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है। आज एनआरसी की बात है, स्टूडेंट के कॉलेज में जाके उनको मारा गया, मुंबई में भी मारा गया, कई जगह ऐसा हुआ है। तो आगे का आपका क्या है सोच के आप? ये हमारे उन्हें आपकी राय पर आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से उन्होंने सब कई पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर उसको आगे ढकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस उनके ही है। हम लोग भी कोशिश ये करेंगे कोशिश करें एक साथ हो, जो मानते हैं साथ रहे, ऐसे मानने वाले पार्टियाँ एक साथ हो और आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। हमारे वैसे भी कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस और माइनॉरिटी के है, ये सब आपके साथ है, आप बिटे नहीं, हम आपके साथ। कांग्रेस पार्टी तो आपके साथ में है। आप लोगों का हिमायत पेश कर दिए कांग्रेस वाले, ये कायदे हैं, ये महाराष्ट्र के लीडर लोग हैं, ये आप लोगों का हिमायत की। कांग्रेस पार्टी पूरे साथ में है। आप लोग डटे रहिए बोल रहे हैं, आप लोग बैठो, हम लोग आपके साथ में। डेमोक्रेसी है, ये जो आप लोग कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी में प्रेशर टैक्टिक सबसे ताकतवर चीज यही है। और वो पीसफुल आप लोग जो कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। और ये प्रेशर टैक्टिक चाहे जो जज अपने बिठाए, चाहे किसी को कुछ भी करे, उसको सुनना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डिले कर देगी, सुना ही नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट जो है डिले कर देगी, थोड़ा बहुत जितनी भी उनकी ताकत है, लेकिन एक ना एक उनको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सीए है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको सुप्रीम कोर्ट का किसी हालत में मुझे नहीं लगता, मेरी जो नॉलेज है कि सुप्रीम कोर्ट वो बोल सके कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि
कि किसी भी एंगल से आप एक्सपर्ट से बात कीजिए, सभी यही कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है और हमको उनके ऊपर को डाउट नहीं है कि ये हटेगा। लेकिन प्रेशर टैक्टिक जो आप लोगों ने किया है वो बहुत ही सराहनीय योग है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, क्या नहीं दुनिया देख रही है, और ये आप ऐसा करेंगे तो जीत अपनी होगी होगी। आपके ऊपर गर्व है, एक लड़ाई आजादी की लड़ी गई थी और एक लड़ाई आजादी संबंध के लिए आप लड़ रहे हो, हम आपको गर्व है, हम आपके साथ पूरी थैंक यू सर। सर 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 आप आज महिलाओं से मुलाकात की आपने, आप जानते हैं कि किस तरह से हठधर्मी हो रही है ये बीजेपी सरकार की ओर से, तो क्या निर्णय लिया आपने? आपने इनका यानी हौसला अफजाई की है कि ये डटे हुए हैं, आप अपने तौर पे क्या करने वाले हैं? मोदी के ये निर्णय के खिलाफ पूरा देश परेशान है, पूरे देश को ये नहीं चाहिए कि हम आपस में बटे, और इसीलिए मुझे बड़ा गर्व है यहाँ के हमारे कांग्रेस के सभी नेता मुमरा के अभी नाम लूंगा और इन सभी महिलाओं के ऊपर गर्व है कि एक लड़ाई आजादी के लिए गांधी नेहरू पंडित जी ने लड़ी थी और एक लड़ाई आजादी संभालने के लिए हमारी महिला लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को आदेश देता हूँ, उनके सपोर्ट में जितना हम कर सकते उतना करें। अभी जो मामला है वो कोर्ट में है और हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, कोर्ट आज का निर्णय कर दे सकती है। सत्य परेशान हो सकता है मगर सत्य हार नहीं सकता, इसके ऊपर हमारा भरोसा है। सुभाष कानाडा साहब, आप महाराष्ट्र के एक बड़े चेहरे की हैसियत से जाने जाते हैं, ये बताइए ये सरकार भी आपकी महाराष्ट्र में राज्य में, इसके संदर्भ में कोई कार्रवाई इसको स्थगित करने के लिए रोकने के लिए कोई स्टे वगैरह कुछ हो सकता है? नहीं हो सकेगा, वो हो जाएगा जी, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने फेवर में है, शिवसेना भी फेवर में है जी, शिवसेना और हम सब लोग मिलकर जी उसका विरोध करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप सर आप आपकी क्या राय है सर, ये औरतों ने जो हिम्मत दिखाई थी? नहीं इट इज मतलब ये बहुत ही सराहनीय लोग है, जो ये ही होना चाहिए जी। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है इससे बड़ा महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है, आज हमको मालूम है कि उन्होंने साइलेंस से सर आपको नहीं लग रहा है ये बगैर वॉयलेंस के जो एजिटेशन की है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगा दिया था, इतनी पावरफुल वर्ल्ड की फोर्स थी उसको हटा दिया था, और ये जो साइलेंस प्रोटेस्ट जो होता है इसमें जो ताकत होती है वो वॉयलेंट प्रोसेस में नहीं होती है, और जो साइलेंट प्रोसेस है मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि इसमें जीत ही होगी। सर दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है आपके शब्दों के अनुसार, ये इनको परमिशन क्यों नहीं मिल रही है सर यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, ये सत्याग्रह पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इनको मेरे हिसाब से इनको परमिशन मिलनी चाहिए क्योंकि उनको कोई तकलीफ ही नहीं है, ना कॉमन आदमी को तकलीफ हो रही है जी, ये अपने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही है, इनको परमिशन 100% देनी चाहिए, चाहे कलेक्टर हो या कोई भी हो, इनको परमिशन देनी चाहिए, और मुझे कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज नहीं है अगर उनको परमिशन दी जाए तो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी भारत हमारा देश है, हम भारतीय है, 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 एनआरसी से आजादी।